इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए, लीवर फंक्शन में करता है सुधार, डायबिटीज नियंत्रित करने में सहायक, पेट के स्वास्थ्य के लिए बेहतर, बालों के विकास में सहायक, बालों को सफ़ेद होने से बचाए, बालों को झड़ने से रोकता है और हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद। यहाँ पे ये आपके जो आंवला लिए हैं और आंवलों को मैंने पहले ही यहाँ पे वॉश करके इन्हें अच्छे से सुखा के रखा हुआ है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो। तो आंवलों को मैंने पहले से यहाँ पे वॉश करके रखा हुआ है। अब आंवलों को हमें यहाँ पे क्या करना है, ना यहाँ पे घिसने का झंझट और ना यहाँ पे उबालने का बवाल। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो तो किस प्रकार से हमें यहाँ पे आंवले की लौंजी बनाना है। और यहाँ पर मैंने आंवलों को कुकर में रखा है और देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा बस लेना है, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा। एक काला नमक है, 2 पिंच काला नमक और 2 पिंच यहाँ पे ये हल्दी है, हल्दी लेना बस। और अब हमें इसे क्या करना है, बस एक सीटी में ही हमारे आंवले यहाँ पे बाउल हो जाएंगे। और देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे आंवले जो हैं वो बाउल हो गए हैं एक सीटी में। देखिए कितने अच्छे से बाउल हो गए। अब इन्हें एक अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे और ये बचे हुए पानी को हम बाद में यूज करेंगे। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मैश करना है। और ये है यहाँ पे ये मिश्री है, ये वाली मिश्री है, ये मिश्री है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मिश्री को इस तरीके से अच्छे से इसे बारीक पीस लिया था। इसमें क्या करना, ऊपर से हमें यहाँ पे ये मिश्री है, मिश्री को इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद में ही हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इसके चारों तरफ इस तरीके से हम मिक्स कर लें। इससे क्या है कि जो हमारा आंवले की जो चटनी बनेगी वो एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से बनेगी। और यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, और आप यहाँ पे किसी प्रकार से भी पैन ले सकते हैं। 1 टीस्पून घी, आपके पास में ऑयल या घी जो अवेलेबल है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी आंवले को ऐड करना है। ये देखिए आंवले में हमने पहले से ही मिश्री ऐड किया था, तो देखिए इस तरीके से आंवला में जो मिश्री है देखिए अच्छे से मिक्स हो गया और ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। छोटे वाले बाउल से 1 बाउल गुड़ का पाउडर, अगर आप इसे स्पून से नापेंगे तो 4 से 5 स्पून गुड़ का पाउडर है। मीठा यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करें, जितना मीठा आपको पसंद है उतना मीठा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिर्च पाउडर, 3 से 4 काली मिर्च, और साथ में यहाँ पे ऐड करना है जो पानी बचा हुआ था आंवले में से, जो पानी बचा था वो पानी को भी ऐड करना है। से 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे पकने देंगे। 4 से 5 मिनट में ही हमारा आंवले की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ये ड्राई फ्रूट को इस तरीके से बड़ी चॉप करके रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट को ऐड कर लें। और आप चाहें तो यहाँ पे खरबूज या तरबूज के सीड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाए और पेट की समस्याओं को दूर करें और बालों के लिए एकदम लाभदायक और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारे आंवले की जो चटनी है वो बनके तैयार हो गई है। ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये स्वादिष्ट के समय जो हमारा आंवला है, ये आंवला हमारे पेट के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, मैं बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। सो इस तरीके से आप इसे, ये आंवले की चटनी को इस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं और ये साल भर तक ख़राब नहीं होगा और आप इसे साल भर तक इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से हमारी आंवले की चटनी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से इसे ढक कर
आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। साल भर तक ये हमारे आंवले की चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। तो हमारे आज की ये आंवले की चटनी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज की रेसिपी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।